यारों, इस दुनिया का सबसे अजीब सवाल क्या है पता है? वो ये कि मरने के बाद क्या होता है, क्या मरने के बाद इंसान भूत या चुड़ैल बन जाता है या कुछ और? क्योंकि अब तक आपने अपने दादा दादी मम्मी पापा से तो यही सुना होगा ना कि इंसान मरने के बाद उसकी आत्मा भटकती रहती है जब तक कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। और हमारे भारत में तो यही प्रथा चलती आई है कि मरे हुए इंसान के आत्मा के शांति के लिए पूजा पाठ या हवन कराया जाता है। पर क्या सच में ऐसा करने से उन लोगों की आत्मा को शांति मिलती है? अब आत्मा को शांति मिलती है या नहीं ये तो मैं नहीं बोल सकता, और सालों से आ रही हमारी प्रथा को भी मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। पर इस पर हमारा साइंस क्या कहता है कि आखिर मरने के बाद क्या होता है, और जानेंगे कुछ रियल नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में। सो अपने कुर्सी की पट्टी को बांध लो, क्योंकि अब हम और आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं कि मरने के बाद की दुनिया कैसी होती है। आपको एक फैक्ट बात बताऊं, मरने के बाद क्या होता है इस सवाल का जवाब कई लोगों को पता है। जी हां, आपने बिल्कुल ही सही सुना कि मरने के बाद की जिंदगी कैसी होती है ये अब तक कई लोगों को पता चल चुका है, लेकिन अफसोस कि वो लोग मर चुके हैं। तो मतलब हमारे पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं बचता जिससे हमें ये पता चले कि आखिर मरने के बाद क्या होता है। बट वेट वेट वेट, आपका दोस्त अभी जिंदा है यार, अपन बताएगा ना आपको, टेंशन काहे को लेने का। देखो यारो, ये बात तो आपको भी पता होगा कि मरने के बाद इंसान की डेड बॉडी को जला या दफना दिया जाता है, और अगर ये सब भी ना किया जाए तो डेड बॉडी अपने आप ही मिट्टी में मिल जाएगी। और मैं डेड बॉडी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। देखो, आप अभी जिंदा हो तो आप देख और सुन सकते हो, जिससे आपको ये पता चलता है कि आप जिंदा हो, यानी अपने होने के अस्तित्व को महसूस कर सकते हो। मतलब कि आपको लगता है कि मैं अभी जिंदा हूं, और रियली मैं बताऊं तो ये मैं हूं वाली जो भावना है ना, यही आपके अंदर की आत्मा है। पर आखिर ये भावना या यूं कहूं आत्मा मरने के बाद कहां चली जाती है? इस आत्मा के बारे में हमारे हर धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है, पर धार्मिक ग्रंथों और साइंस में एक बात कॉमन है कि आत्मा अमर होता है, क्योंकि ये किसी भी धर्म में नहीं कहा गया कि शरीर के मरने के बाद आत्मा भी मर जाती है। और हमारे साइंस का भी तो यही मानना है कि आत्मा एक एनर्जी है, एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। मतलब कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती, बस इसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदली जा सकती है। मृत्यु हमारे जीवन की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। हमारा साइंस चाहे जितना भी डेवलप्ड हो जाए, लेकिन प्रकृति की इस सच्चाई को कभी भी नहीं बदल सकता। चलो अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जिसे आपने कभी न कभी तो एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। मुझे ये बताओ कि क्या कभी आपको सपने में ये महसूस हुआ है कि आप हवा में उड़ रहे हो, या फिर कोई आपको बांध दिया हो और आप हिल नहीं पा रहे हो, या तो आप ऐसे वीरान जगह में पहुंच गए हो जहां दूर दूर तक आपके सिवा कोई ना हो, या फिर आप किसी बिल्डिंग या खाई से गिर रहे हो। अगर हाँ तो मुझे एक बात बताओ कि जब आप सपने में बिल्डिंग से गिरते हो तो आप जमीन से टकराने के एक या दो सेकंड पहले ही आपकी नींद खुल जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सपना या ड्रीम खुद हमें हमारा दिमाग दिखा रहा होता है, और हमारे दिमाग को भी ये नहीं पता होता कि आखिर मरने के बाद क्या होता है। देखो यारो, आपने कई सारी हॉरर या साईफाई मूवीज देखी होगी जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि मरने के बाद उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर निकल जाती है, और उसके पास ऐसी ताकत होती है कि वो किसी दूसरे इंसान के शरीर को अपना गुलाम बना लेता है, या फिर मरने के बाद उसकी आत्मा किसी दूसरे डायमेंशन में चली जाती है। इन सभी के अलावा हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमें ये जिक्र मिलता है कि मरने के बाद अच्छे लोगों की आत्मा स्वर्ग में चली जाती है और बुरे लोगों की आत्मा नर्क में। पर क्या ये सब सच है? वेल, हमारे साइंस एंड साइंटिस्टों की माने तो ये सारी बातें बेबुनियादी है, इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। तो आखिर सवाल ये उठता है कि सच्चाई क्या है, मरने के बाद क्या होता है, कैसे पता करें? क्योंकि कोई जिंदा इंसान तो इस सवाल का जवाब बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तो चलो फिर पूछते हैं उन लोगों से जो मर के जिंदा हुए हैं। इस धरती में कई सारे ऐसे लोग हैं जो मर के वापस लौटे हैं, जिसे साइंस की भाषा में नियर डेथ एक्सपीरियंस बोलते हैं। ये बात है साल 2011 की। इस समय एक इंसान के दिल की सर्जरी हो रही थी, पर डॉक्टरों की एक छोटी सी गलती की वजह से उस इंसान के दिल यानी हार्ट में और अधिक प्रॉब्लम हो गई, या यूं कहूं कि सर्जरी पूरी तरह से फेल हो गई। डॉक्टर्स पूरी तरह से हार मान गए थे, कंप्यूटर्स पर भी सीधी लाइन दिखाई दे रही थी, मतलब कि उस इंसान के दिल की धड़कन पूरी तरह से रुक गई थी। फाइनली डॉक्टर्स ने हार मानकर जो चीरा लगाया था उसे भर रहे थे, लेकिन मुश्किल से 5 मिनट के बाद अचानक से कंप्यूटर पर हार्ट बीट रीडिंग शो होने लगती है। इस सिचुएशन में डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए, और डॉक्टरों ने जल्दी जल्दी उस इंसान के सीने में लगाए चीरे को भरने लगे, और कुछ घंटों बाद ही मरीज की होश आ गई। और होश आने के बाद उसने जो कुछ भी बताया वो रियली में काफी इंटरेस्टिंग था। उसने बताया कि वो सच में मर ही गया था, पर वो अपने अस्तित्व को भी महसूस कर पा रहा था। उसने यह बताया कि सब कुछ धुंधला सा और कुछ अजीबोगरीब पैटर्न दिखाई दे रहा था, और उसके सामने एक बेहद ही चमकदार रोशनी चमक रही थी। मतलब सीधे तौर पर बोलूं तो उसने जो कुछ भी देखा वो अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। उसने यह बताया कि यह ना तो कोई सपना था और ना ही कोई हकीकत। फिर उसने यह बताया कि अचानक से उसके सामने अंधेरा छा गया और तभी उसकी आँख खुल जाती है। इसी तरह की एक और घटना हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के फेमस न्यूरोलॉजिस्ट इवन अलेक्जेंडर के साथ भी घटी थी। यारो, इवन अलेक्जेंडर उस स्कूल में न्यूरोलॉजी पढ़ाते थे और वो खुद दिमाग की प्रॉब्लम पर रिसर्च एंड स्टडी भी करते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो खुद ही एक दिमाग की प्रॉब्लम से ग्रसित थे और उन्हें इनका इलाज ढूंढना था। इवन बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस जैसे मोस्ट सीरियस ब्रेन प्रॉब्लम के शिकार में थे, जिसके कारण उसका दिमाग अंदर ही अंदर खत्म होता जा रहा था। इसलिए इवन जल्द
से जल्द इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लगे थे, लेकिन एक दिन अचानक से उसके ब्रेन में बहुत ज्यादा दर्द उठ जाता है और वो फिर बेहोश हो गए। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने यह बताया कि इस बीमारी की वजह से उसका दिमाग का सेरिब्रल हिस्सा, जो जिंदगी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, वो खराब हो चुका है और अब उसके बचने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम ही है। और उसके कुछ समय बाद ही इबेन कोमा में चले जाते हैं, पर डॉक्टरों ने भी हार नहीं मानी और इबेन का इलाज चलता रहा। और 7 दिन बाद ही इबेन कोमा से बाहर आ गए और लगभग 1 महीने इलाज चलने के बाद इबेन पूरी तरह से ठीक हो गए। अब उस 7 दिनों में उसने क्या फील किया उसे सुनो। स्टार्टिंग में उसे ऐसा लगा कि उसे किसी रेंगने वाले जीव की दृष्टि मिल गई हो और वो किसी समुन्द्र में तैर रहा है, और उसे अजीबोगरीब पैटर्न भी दिखाई दे रहा था, पर सब कुछ धुंधली धुंधली सी थी। इन शॉर्ट उन्हें अपने होने का अस्तित्व महसूस हो रहा था, लेकिन वो ना ही कुछ सुन सकता था और ना ही कुछ बोल सकता था। फिर अचानक से एक लाइट की चमकदार रोशनी उसके सामने आई और वो किसी ऐसे जगह पहुंच गए जहां तितली जैसी कुछ चीज उड़ रही थी, और वो अपने अस्तित्व को महज एक छोटे से रेत के कण के समान ही महसूस कर पा रहा था। और फिर उन्हें ऐसा लगा कि वो इस विशाल यूनिवर्स में कहीं जा रहा है जिसका कोई भी अंत नहीं था। और फिर 7 दिन बाद ही इवेन की आंख खुल जाती है। पर यारो, इस दुनिया में नियर डेथ एक्सपीरियंस के यही 2 किस्से नहीं है, बल्कि इस दुनिया में हजारों ऐसे किस्से है। कुछ तो ऐसे भी इंसान है जो शब्दों में ये नहीं बता सकते कि उसने क्या देखा, पर ज्यादातर लोगों को एक प्रकाश की चमकती किरण दिखाई देती है। पर दोस्त, अगर साइंस की माने तो देखना, सुनना या महसूस करना ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग की वजह से ही पॉसिबल होता है। साइंस के अकॉर्डिंग जब कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ती है तभी हम उसे देख पाते हैं, पर आत्मा की तो आंखें होना पॉसिबल ही नहीं है। तो आखिर हम किसे सच माने? अब देखो, बेशक हमारा साइंस आज काफी तरक्की कर चुका है, पर उतना भी नहीं कि हमारे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी एंड ब्रेन को अच्छे से समझ सके, क्योंकि हमारा साइंस उन्हीं चीजों को मानता है जो प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली पॉसिबल हो। और नियर डेथ एक्सपीरियंस को हमारा साइंस ना ही प्रैक्टिकली और ना ही थ्योरेटिकली कभी प्रूव कर सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि उन लोगों ने जो कुछ भी देखा वो हमारा ब्रेन ही करवा रहा हो, और हमारे पास ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है कि हम उस घटना को देख या डिटेक्ट कर सके। तो यार, ऐसे में हमें यही पता चलता है कि हमारा साइंस अभी बहुत पीछे है, क्योंकि उसने अभी तक हमारे इंसानी शरीर को ही अच्छे से नहीं समझ पाया है। खैर, आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताना, एंड आई होप कि आपको हमारे इस वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ऐसे और इंटरेस्टिंग साइंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑल को भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।